1872 सेक्शन 5 के बारे में पिछले सेशन में हमने आपको बताया, उसी से संबंधित रिलीवेंसी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि सुसंगत तत्वों का वर्गीकरण, सुसंगत तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलीवेंट हाइट, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। सेक्शन 6 फ्रॉम 6 to 55 तक जो सेक्शंस हैं वो किसी किसी प्रयोजन के रूप में जो हमने सेक्शन 5 में जो सीमाएं बताई हैं कि किन सीमाओं के अंतर्गत कौन सा साक्ष्य सुसंगत होगा और ग्राह्य होगा, उन सीमाओं के अंतर्गत उन दृष्टांतों का एक विवरण दिया गया है जिनके तहत किसी के किसी विवादक तत्व के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, ठीक ना। अब वो कौन कौन से हैं क्लासिफिकेशन, उनको आप जान लीजिए और वो साक्ष्य ग्राह्य होंगे होंगे, ठीक ना। अब हम बता रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन, नंबर 1 तथ्य के अवसर, अवसर तथ्य के अवसर, कारण कारण प्रभाव तथ्य के अवसर, तथ्य के कारण, तथ्य के प्रभाव, परिणाम व हेतु के संदर्भ में, तथ्य के अवसर, कारण, प्रभाव और परिणाम व हेतु जो तथ्य इनको प्रदर्शित करते हैं उनका साक्ष्य आप दे सकते हैं, उसका वर्णन सेक्शन 6 to 16 नोट करिए, नंबर 1 तथ्य के अवसर, कारण, प्रभाव, परिणाम व हेतु जिन सेक्शन के अंतर्गत वर्णन किया गया है वो सेक्शन है सेक्शन 6 to 16 तक। अब बात आती है सेक्शन 6 की, चलिए और डिटेल हम पढ़ा देते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 नोट करिए, विवादक उक्तियां
इसमें जो है आती है स्वीकृतियां, स्वीकृतियां या संस्कृति, संस्कृति एडमिशन और कन्फेशन इसमें आता है। ये होगा सेक्शन 17-31 तक इसका वर्णन मिलेगा। इन सेक्शन के तहत आपको विभाजन तत्व के संदर्भ में स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां एडमिशन एंड कन्फेशन मिलेगा। पहला चैप्टर, दूसरा ये, अब तीसरा नोट करिए, तीसरा है नोट करिए उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें गवाह के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। उन व्यक्तियों के बारे में जो गवाह के रूप में बुलाए ही नहीं जा सकते, उनके बारे में सेक्शन है 32-33 सेक्शन 32-35 तक, इसी में डाइन डिक्लेरेशन आता है। सेक्शन यही है डाइन डिक्लेरेशन कि ऐसे व्यक्तियों का कथन जो गवाह के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, पेश नहीं किया जाता, उनके कथन के बारे में एविडेंस में सेक्शन 32-33 तक का वर्णन मिलेगा। नोट कीजिए चौथा नोट करिए, इसी क्रम में हम पढ़ाएंगे एविडेंस। चौथा नोट करिए, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन सेक्शन 34-39 सेक्शन 34-39 विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, इससे संबंधित जो है आपका नियम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 34-39। पांचवा नोट करिए, अभी शुरू एक से शुरू करते हैं। पांचवा है दूसरे मामले में दिए गए निर्णय सेक्शन 44-45 का कि पूर्व में दिए गए निर्णय कब किसी मामले में सुसंगत होंगे, कब वो ग्राह्य होंगे, ठीक ना। चलिए छाटा लिखिए 6 लिखिए राय, ओपिनियन के बारे में जो प्रोविजन है, सम्मतियां, ठीक, वो सेक्शन 41-51 तक
संगत होगी, ठीक है ना, उसका बॉर्डर आपको 45 से 40 वो 50 कौन तक बनेगा, ठीक। और सातवां है पक्षकारों का आचार व्यवहार आचरण और ख्याति तब सुसंगत होगा विवादक पक्ष से, वो सेक्शन 52 से 55 तक है, ठीक, क्लियर। अब हमने इसका पूरा वर्गीकरण कर दिया ना, सुसंगत तत्वों का वर्गीकरण हमने कर दिया, सेक्शन वाइज कर दिया, टॉपिक वाइज कर दिया। अब हम पहले टॉपिक पे चलते हैं, रिलीवेंसी और एडमिसिबल, ग्राह्यता और सुसंगतता, सुसंगता सुसंगतता और ग्राह्य दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ये नहीं है कि जो सुसंगत होगा वो ग्राही हो जाएगा, एविडेंस अभी हम बताया, जैसे पत्नी के बीच में जो वार्ता होती है वो विवादक तथ्य से सुसंगत होगा, जैसे एक पति कोई अपराध किया, क्या किया, अपराध के बारे में पत्नी को बता दिया कि हमने कैसे अपराध किया है, किससे किया है, क्या क्या किया है, पत्नी से बता दिया, तो ये तो जो पति ने पत्नी को बताया है अपराध के बारे में ये तो सुसंगत है ना, लेकिन ये ग्राह्य नहीं है, पत्नी को बाउंड नहीं किया जा सकता कि पति ने जो बात बताई है उसको आप बताइए, उसको किसी कोर्ट में किसी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, यहां तक कि अगर पत्नी चाहे भी कि हम कोर्ट में आपके विरुद्ध गवाही देंगे तो भी उसको गवाही देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, पत्नी के खिलाफ अलाउ नहीं किया जाएगा, अनुमति नहीं देगी, हां अनुमति तब होगी जब पति उसको अलाउ करे कि ठीक है चाहिए आप कोर्ट में गवाही दे दीजिए, जब तक इसकी अनुमति नहीं होगी तब तक पत्नी गवाही नहीं दे सकती है, और कब, वैवाहिक स्थिति के दौरान, स्थिति के दौरान जो बयान है, ठीक, मान लीजिए पत्नी में विवाह विच्छेद हो गया तब भी पत्नी इस पूर्व पति के बारे में बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि जो कथन उसने किया है वैवाहिक स्थिति के दौरान किया है, और जब तक वो नहीं अलाउ करेगा तब तक आप गवाही नहीं लेंगे, कोर्ट पूछेगी कि जो आप साक्षी पेश कर रही हैं आपका पति कब किस समय बताया था, तो जब वैवाहिक स्थिति नहीं तभी बताया था, तो उस स्थिति के दौरान जो भी बात पति ने पत्नी को बताया वो पत्नी बता नहीं, उसको पेश नहीं किया सकता है, अगर पति नहीं अलाउ करता तब, पति अलाउ करेगा तभी पत्नी जाकर के कोर्ट में गवाही दे सकती है, ठीक ना, और सुसंगत तो पूरा है, पूरा क्राइम पूरा लेआउट हो जाएगा, क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ, किस साधन के द्वारा हुआ, क्या क्या हुआ, एकदम डायरेक्ट सुसंगत है,
इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। अगर पत्नी गवाही देने को मिल जाए तब तो क्या पूछना है, सारी मेहनत कभी जरूरत नहीं है, एकदम पका पकाया माल है, एकदम बस फटाफट निर्णय आएगा। लेकिन नहीं, नहीं। पत्नी के जो बीच का संबंध है उसमें एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अगर पत्नी ने अपराध किया पति नहीं दे सकता, और पत्नी पति ने किया पत्नी नहीं, एक दूसरे से बधे होते हैं। जो भी स्टेटमेंट तब पत्नी के दौरान होगा, वैवाहिक स्थिति के दौरान नो, विवाह विच्छेद भी हो जाए तब भी नहीं दे सकते। ठीक, तो ये है कि हर जो तत्व सुसंगत है वो ग्राही होगा, ये जरूरी नहीं है। जिस नियम प्राविधान के तहत ग्राह्य घोषित है तभी ग्राह्य होगा, इसीलिए एविडेंस थोड़ा टेक्निकल है। अब हम आपको कुछ अंतर बता दे रहे हैं, इसको जान लीजिए। इसके क्या होते हैं, नंबर एक क्या होता है, ये तर्क पर आधारित होता है। किस पे भाई, कोई चीज किससे सुसंगत है, किससे रिलेवेंट है, किसके आधार पर निर्णय करते हैं, तर्क के आधार पर। ये तर्क आधार होता है, तर्क पर आधारित होता है। ठीक, ये तर्क पर आधारित होता है, ये विधिक नियमों पर आधारित होता है। ये विधिक नियमों, अगर विधिक में इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन दिया गया है उस पर ही आधारित होता है। जैसे अभी हमने बताया कि पति पत्नी के बीच की आपस परस्पर की बात विवाद तक से सुसंगत हो सकती है, लेकिन ग्राह्य नहीं होती, ये विधिक नियमों के विपरीत है, इसलिए ग्राह्य नहीं होती। सुसंगत तो है लेकिन ग्राह्य नहीं है। ठीक ना, दूसरा क्या है, किसी विधिक कार्रवाई में वस्तु को साबित किया जाता है। ठीक, विधिक कार्रवाई। ठीक ना, और इसमें विधि भी सम्मिलित है। ठीक, विधि भी सम्मिलित है। अगर कोई सुसंगत है उसके तहत उसकी विधि क्या है, क्या उस विधि के तहत वो ग्राह्य है, तभी वो जो है ग्राह्य होगा, अन्यथा नहीं, सुसंगत होते हुए भी नहीं ग्राह्य होगा। ठीक ना, तीसरा क्या है, ये धारा 5-55 तक इसका वर्णन किया गया। ठीक ना, और ये जो ग्राह्यता है वो 56 सेक्शंस के बाद कि कौन चीज ग्राह्य हो, कौन चीज ग्राह्य नहीं। ठीक है, यही अंतर आपके मन में। ठीक ना, अब मैं नंबर एक में जो क्लासिफिकेशन किया था, सुसंगत तथ्यों का वर्गीकरण, उसमें जो पहला हमने दिया था टॉपिक, अब उस पर हम चलते हैं। उसमें है 6-55, तो सेक्शन 6 के बारे में हम चलते हैं। एविडेंस सेक्शन 6, सेक्शन 6, एक संव्यवहार, संव्यवहार
एक शब्द का के भाग वाले हैं क्या कंप्लीट हो गया? बीच में टीवी हो गया? चलिए सक्सेस का